हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको सेंट एंजल्स ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से चैप्टर नंबर 4 एक्सप्लेन करेंगे। चैप्टर नेम है शब्द विचार, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। शब्द क्या है? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों का ऐसा समूह जो एक निश्चित अर्थ प्रकट करता है, शब्द कहलाता है। मनुष्य अपने विचारों और भावों को प्रकट करने के लिए भाषा का सहारा लेता है। बोलते समय जिस ध्वनियों और वर्णों का प्रयोग किया जाता है, उनसे ही शब्दों का निर्माण होता है। शब्द में प्रत्येक वर्ण का एक निश्चित स्थान होता है। इनके इस स्थान या क्रम को बदल देने से शब्द का अर्थ बदल जाता है, जैसे ले, मैं, कै। इन वर्णों को दो अलग अलग क्रम में रखने पर इनके दो अर्थ निकलते हैं, जैसे कै, ले, मैं, कलम बनता है लेखनी, कै, मैं, ले बनता है एक फूल का नाम। नेक्स्ट है शब्दों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स। विभिन्न आधारों पर हिंदी भाषा में शब्दों को 4 वर्गों में बांटा गया है। शब्दों का वर्गीकरण, फर्स्ट स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, सेकंड रचना या बनावट के आधार पर, थर्ड प्रयोग के आधार पर, एंड फोर्थ अर्थ के आधार पर। नीचे इनको एक्सप्लेन किया गया है। फर्स्ट है स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। इस आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। तत्सम आज हम पढ़ेंगे, तत्सम पहले। तत्सम का अर्थ है उसका, उसके समान। वे शब्द जो किसी भाषा के अपने मूल रूप में जो के तो हिंदी में आ गए हैं, तत्सम कहलाते हैं। हिंदी में प्रयोग किए जाने वाले अधिकतर तत्सम शब्द संस्कृत से आए हैं, जैसे घृत, मित्र, सदन, क्षेत्र आदि। नेक्स्ट है तद्भव। तद्भव का अर्थ है उसमें उत्पन्न होने वाला। वे शब्द जो अन्य भाषाओं से कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी में आए हैं, तद्भव कहलाते हैं, जैसे दूध, दुग्ध, आम्र, आम, वेस्टकोट, वास्कट, लैंटर्न, लालटेन आदि। नेक्स्ट है देशज। वे शब्द जो देश की विभिन्न बोलियों और भाषा से आए हैं, हिंदी में आए हैं, देशज कहलाते हैं, जैसे चारपाई, डिबिया, पगड़ी, झाड़ू, लोटा आदि। लास्ट है विदेशी। भारतवर्ष पर बहुत समय तक विदेशियों का शासन रहा, उनके प्रभाव से हिंदी में अनेक विदेशी शब्द आ गए हैं। इन्हें आगत या विदेशी शब्द कहते हैं, जैसे ट्रेन, कॉपी, स्टेशन, कूपन आदि।